हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर टुमारोज इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन। और कल एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी में ज़्यादा देखने को मिल सकती है, और स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं इंट्राडे के लिए। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियर एंड क्लियर बोला था कि अगर आज गैप डाउन होता है तो शॉर्ट्स नहीं करना है, और आज वैसे ही हुआ, गैप डाउन हुआ और नीचे से एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली। अब जो आज का कैंडल है वो बहुत ट्रिकी कैंडल है। कैन सी हियर, आज का जो कैंडल है बहुत ट्रिकी कैंडल है। अब कल या तो अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलता है तो वापस एक सेल ऑफ आ सकता है, अगर गैप डाउन खुला तो वापस लॉन्ग ट्रैप्स हो जाएंगे और वापस एक सेल ऑफ आ सकता है, और अगर गैप अप खुला तो एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें वापस देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी कल कहाँ ओपन होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है जिस हिसाब से लास्ट मिनट में जो बैंक निफ्टी में बाइंग आया था और बैंकिंग स्टॉक में जो बाइंग देखने को मिला है, मुझे लगता है एक पॉजिटिव एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है। बट लेट्स सी कहाँ ओपन होते हैं। और बैंक निफ्टी का जो कैंडल है वो बहुत स्ट्रांग है, पॉजिटिव कैंडल है इनफैक्ट। सो लास्ट मिनट पे जो बैंकिंग स्टॉक में बाइंग आया उसकी वजह से मुझे लगता है कि कल भी एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सो कल के दिन में अगर एक बड़ा गैप डाउन होता है तो सिनारियो चेंज हो जाएगा, सेलिंग की तरफ ध्यान देना है। लेकिन अगर कल अगर फ्लैट या गैप अप ओपनिंग होता है तो इंट्राडे डिप्स यूज कर रहे हैं बाइंग के लिए, क्योंकि मुझे लगता है हायर चांसेस है 20,000 के लेवल के ऊपर एक्सपायरी हो सकता है। अब स्टॉक डिस्कस करते हैं। मैंने आपको एक स्टॉक बताया था एनआईटी टेक, और एनआईटी टेक मैंने आपको बताया भी था कि एक रेंज में है एनआईटी टेक, और अगर ये रेंज ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। कल का एक रेड कैंडल था तो मुझे लग रहा था कि नीचे आएगा, लेकिन मेरा जो लेवल था वो ट्रिगर नहीं हुआ सेल का, और आज ये ऊपर ओपन हुआ, और ओपन हुआ तो यहाँ से ये रेंज ब्रेक कर चुका था। तो यहाँ पे मैंने इसमें इंट्राडे में काफ़ी अच्छा एक पैसा बनाया। और टोरेंट पावर मैंने आपको सेल बोला था, टोरेंट पावर नेगेटिव ही क्लोज आया है, यू कैन सी हियर। मैरिको मैंने आपको बोला था कि एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है, मैरिको 300 के ऊपर क्लोज हुआ है, तो इसमें भी आप देख सकते हो एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला। अब डिस्कस करते हैं कल के लिए कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है। पहला स्टॉक होगा सन टीवी। सन टीवी अगर आप देखो पूरा का पूरा रेंज है ये, और बार बार ये 370 के आसपास होल्ड कर रहा है। लास्ट 5-6 दिन का कैंडल का लो 370 के आसपास ही है। तो अगर ये 370 ब्रेक करता है तो मुझे लगता है एक डाउनवर्ड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सो सन टीवी एक अच्छा शॉर्ट रहेगा कल के दिन के लिए। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक होगा बंधन बैंक। बंधन बैंक में अगर आप देखो यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बना था, और अभी एक वापस एक पॉजिटिव बाइंग हमें देखने को मिला है, और एक हैमर जैसा फॉर्मेशन है यहाँ पर। मुझे लगता है ये 250 एक राउंड ऑफ लेवल है, 250 के ऊपर अगर जाता है तो एक वापस अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो बंधन बैंक बाय रहेगा 250 के ऊपर। कौन से लेवल पे बाय करना मैं एक्जैक्टली लेवल आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में हमें बैंकिंग स्टॉक में ज़्यादा बाइंग हमें देखने को मिली है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो मुझे लगता है कल के दिन में भी ये बाइंग कंटिन्यू रह सकती है, और एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है बैंकिंग स्टॉक्स में। चलिए, हमें एक बाइंग देखने को मिली है, यू कैन सी हियर एक पॉजिटिव कैंडल बंद हुआ है, और जिस तरीके का सेटअप है मुझे लगता है यहाँ से ये 840-850 तक के लेवल्स इजीली दिखा सकता है। सो मुथूट फाइनेंस बाय रहेगा। ये था कल के लिए एनालिसिस। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।